सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री जिस तरह से इसको कहा जा रहा था, लेकिन अब एम्स की फॉरेंसिक टीम कीन है, वो चाहती है इसे होमिसाइड के एंगल से इसकी जांच की जाए, मर्डर के एंगल से, और उसे 12 लीड्स भी ली हैं सीबीआई ने और फॉरेंसिक टीम ने एम्स की। मैं आपको बताती हूँ, सीबीआई का आज छठा दिन है, फॉरेंसिक टीम लगातार जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने अब साफ और स्पष्ट जताया है कि वो इस केस की होमिसाइड यानी मर्डर एंगल से जांच करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं अटॉप्सी पोस्टमार्टम को लेकर सवाल उठाए गए। मैं 12 पॉइंट्स बताऊंगी जो लीड जो एक्सेस हुए हैं कि 12 कौन से पॉइंट्स हैं जो इनकी जांच में पाए गए हैं। वो ये सब लगातार सवाल उठ रहे हैं सुशांत की अटॉप्सी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के, लगातार सस्पिशियस सिचुएशंस आ रही हैं, सस्पिशियस बातें आ रही हैं। और जब एम्स के मिस्टर गुप्ता को, जो फॉरेंसिक टीम लीड कर रहे हैं, जो एशिया के सबसे बड़े फॉरेंसिक सर्जन माने जाते हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि बहुत कंटेमिनेटेड एविडेंसेस उनको मिले हैं और ये बात साफ तौर पर आ रही है कि जो उन्हें रिपोर्ट्स मिली हैं वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर हैं और बॉडी की का क्रिमेशन हो चुका है। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब जो है सुधीर गुप्ता और तमाम लोगों ने की बातों से इस बात का सोर्सेज इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि होमिसाइड एंगल से इस केस की जांच करने के लिए बहुत ज़्यादा कीन है फॉरेंसिक टीम एम्स की। अब क्या लीड्स हैं फॉरेंसिक टीम के पहली सिटिंग के, मैं आपको बताती हूँ। पहला, सीबीआई टीम ने रिक्वेस्ट किया एम्स के एक्सपर्ट को मुंबई आने के लिए। दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट्स एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बनाई। तीसरा, पैनल को अटॉप्सी विसरा इंक्वेस्ट पेपर्स सब चाहिए, कुछ मिला। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि उन्हें और डॉक्यूमेंट्स चाहिए एनालिसिस के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड। फिफ्थ, सीबीआई ने एम्स से पूछा कि अगर कोई स्पेसिफिक लाइन जांच की होनी हो है क्या, तो एम्स ने फॉरेंसिक एम्स की फॉरेंसिक हेड जो है वो कीन है होमिसाइड एंगल लेने के लिए। सातवां, 25 सवाल एम्स के पैनल द्वारा दिए गए हैं क्राइम सीन के रिपोर्ट पर। सेलोटेप या कुछ और लटक रहा था कपड़े से, इस बात की बात कही गई है। एक्सपर्ट्स जो है वो हर एक चीज़ जो उस कमरे में मौजूद थी, हर एक चीज़, एक छोटी सेफ्टी पिन से लेकर के बड़े से बड़े कबर्ड तक की हर एक डिटेल जो है वो एम्स के पैनल को चाहिए, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टू बी प्रूव्ड प्रॉप्ड बाय एम्स पैनल। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य जो एविडेंस है, जो लोग आए थे, जो लोग गए थे, जिन्होंने बोला, जो आए गए यानी जो गवाह बयान और बाकी सब बातें हैं, उनका भी उनकी भी जांच फॉरेंसिक टीम करेगी। तो एक बड़ी खबर है कि फॉरेंसिक टीम एम्स की जो है इसको बहुत कीन है, इस केस को वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है, वो चाहती है कि इसके होमिसाइड एंगल से इस केस की जांच की जाए। बने रहे हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।